जय माता दी। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच की जो श्रृंखला का कारवां है वो पहुंच चुका है रांची, महेंद्र सिंह धोनी के शहर जो अभी तक थे मेंटर। खैर, वो बात और है कि महेंद्र सिंह धोनी आपको ना मैदान पे दिखेंगे ना ड्रेसिंग रूम में, कोई बात नहीं। भारत की टीम सीरीज अपने कब्जे में करना चाहेगी पहले मैच के बाद, तो न्यूजीलैंड चाहेगा वापसी करना। क्या प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है, क्या किन किन प्लेयर्स को मौका इस मैच में मिल सकता है, बड़ी बात होगी। उसके अलावा क्या चार ड्रीम टीम्स होंगी और कैसे जा सकता है ये मैच, क्या मौसम का मिजाज बदलेगा, ड्यू कितना बड़ा फैक्टर रहेगा इस मैच में, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले। आपको वीडियो का एनालिसिस लास्ट तक देखना है, समझना है, और उसके बाद ही आपको टीम्स क्रिएट करनी है। मैं आपको चार टीम्स दूंगा इस वीडियो के अंदर, आपको जो बदलाव ठीक लगे वो आप कर सकते हो। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग सभी तरह की टीम्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आप ये करें कि मेरा टेलीग्राम चैनल @MohitCricketologist ज्वाइन कर लें, ताकि टॉस के बाद जो अपडेट होगा वो आपको दे सकूं। इसके अलावा जो मैचेस मैं वीडियो से कवर नहीं कर रहा हूं, वो मैचेस की वीडियोस भी, टीम्स भी आप तक पहुंच जाए। चलिए अब इस मैच के बारे में बात करते हैं, भारत बनाम न्यूजीलैंड इन रांची सेकेंड T20। पहला T20 आपने देखा जो उसमें हुआ, जैसे जैसे हुआ दुबई अबू धाबी में जो अभी पिछले 2-3 महीने से एक्शन चल रहा था उससे बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ। और ये बात मैं पहले जब पहले मैच की वीडियो थी तो कहा था कि नॉर्थ इंडिया है, अभी सर्दी बढ़ रही है, ड्यू यहां फैक्टर होगा, लेकिन रांची में ये ड्यू इतना बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला है। कि कंपेरेटिवली झारखंड में टेम्परेचर अभी थोड़ा गर्म है, ईस्ट की तरफ पड़ जाता है बिल्कुल, तो मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक है, ड्यू इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा। नहीं होगा तो मतलब एक क्रैकर ऑफ गेम आपको मिलने वाला है। टीम बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे, दोनों के पास एडवांटेज होगा, अपनी प्लानिंग के साथ जा सकते हैं। कम से कम मौसम की मार उनको इफेक्ट उतना नहीं करेगी जितना राजस्थान में जयपुर में किया या फिर अभी तक दुबई अबू धाबी में हो रहा था। उसके साथ प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो प्लेइंग 11 का सीन कुछ ऐसा है कि इंडिया शायद अपने इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा इस मैच में, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि पहले सीरीज पॉकेट में डालें और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें। या एक बदलाव अगर हो सकता है तो ये हो सकता है कि एक पेसर को आइदर ऑफ मोहम्मद सिराज और दीपक चहर को ड्रॉप करके और आवेश खान को डेब्यू मिल सकता है, ऐसी संभावना है। वरना तीसरे T20 में होंगी ये जो भी चीजें होंगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ इंडिया लूज और विन द सेकेंड T20। न्यूजीलैंड की तरफ जाए, एक नया कप्तान घोषित होने की संभावना है। कुछ ऐसी रूमर्स चल रही हैं कि 3 मैचेस में 3 कैप्टन्स यूज करेगा न्यूजीलैंड। टिम साउथी पहले मैच में एज ए कैप्टन यूज हो चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड T20 में आपको न्यूजीलैंड की तरफ कोई भी नया कप्तान दिखे। हालांकि अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं कि ये कैप्टनसी करेंगे दूसरे मैच में, और मैं वीडियो बना रहा हूं तो भी अपडेट लेने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ऐसा कोई अपडेट आना गया हो, लेकिन अभी तक है नहीं, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्लेइंग 11 है उसमें अगर मैं बदलाव की बात करूं तो कोई बदलाव मुझे नहीं लगता कि होगा। ट्रेंट बोल्ट को आराम मिल सकता है, लंबे समय से खेल रहे हैं, ऐसी संभावना है। उनकी जगह काइली जेमिसन अंदर आ सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडेड पेसर की कमी और जो अटैक है उसमें वेरिएशन थोड़ा खत्म हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड भी कोशिश करेगा कि ट्रेंट बोल्ट को दूसरे मैच में खिला के पहले सीरीज बराबर करे, उसके बाद ही फिर उन्हें रेस्ट दे। बाकी बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है, कम से कम बैटिंग ऑर्डर न्यूजीलैंड का सेटल्ड है, वहां कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है। चलिए प्लेइंग 11 की बात होगी, अहम प्लेयर्स की बात करते हैं इस मैच में, क्या अहम प्लेयर हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। मार्क चैपमैन, मैंने पहले मैच की वीडियो बनाने के टाइम पहले मैच की वीडियो में बोला था कि भाई साहब बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। जिन्होंने सुन ली उसकी मौज, और जिन्होंने नहीं सुनी वो जाओ भाड़ में, बिल्कुल सिंपल। अब वीडियो देखने लायक आपके पास समय नहीं है, समझने लायक नहीं है, तो फिर आप रेडीमेड टीम के भरोसे जीएल जीतने के सपने देखते हो, वो सपना ही रहेगा, कभी पूरा होगा नहीं। क्योंकि जब तक एनालिसिस समझ नहीं आता, जब तक हमारी दी हुई टीम्स में अपने हिसाब से चीजें फिक्स करना नहीं आता, तब तक थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, उसके बाद जो और प्लेयर्स हैं, मार्टिन गप्टिल पहले मैच में चले, लेकिन वो उनके साथ कंसिस्टेंसी उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इशू रहा है, हो सकता है दूसरे मैच में ना चला। डैरल मिचेल बढ़िया कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बॉलिंग की मैं बात करूं तो कोशिश रहेगी इनकी कि टॉड एशली को वापस कर बाहर करके और इस सोडी को अंदर लाया जाए,
ताकि थोड़ा इक्वल वाला मामला हो जाए स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। लेकिन अभी हम सिर्फ की प्लेयर की बात कर रहे हैं, वो भी उन प्लेयर्स के बेसिस पे जिन्होंने पहला मैच खेला था, ठीक है। तो मार्क चैपमैन और डैरल मिचेल दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ट्रेंट बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम के लिए, ये तीन बहुत अहम खिलाड़ी होने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूं अगर दूसरी तरफ इंडिया की, तो रोहित राहुल की जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य कुमार यादव हमने देखा पहले मैच में। टॉप थ्री इंडिया का जो बैटिंग से है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत के लिए है, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे बैटिंग फर्स्ट करो चाहे चेज करो। बॉलिंग की मैं बात करूं, रवि अश्विन ने दोबारा T20 टीम में अपनी जगह फिक्स करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, लगातार अच्छा खेल रहे हैं, पेस जो है उसको वैराई करना, तो अश्विन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और अगर भुवनेश्वर कुमार की जो लय बरकरार रहती है और जो पेस अटैक पहले मैच में बनाया है, तो उसमें भुवनेश्वर कुमार की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 2 ओवर पावर प्ले में और डैश स्पेशलिस्ट जो बॉलर है वो अकेले भुवनेश्वर कुमार है इन तीन पेसर्स में, बाकी दीपक चहर और सिराज से आपको एक एक ओवर डलवाना ही है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए भारत के। मैं बात करूं कि ग्रैंड लीग के हिसाब से रिस्की प्लेयर्स की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, न्यूजीलैंड खेमे से रचिन रविंद्रा एक देखने लायक प्लेयर बनेंगे, खासकर अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करेगा तो, क्योंकि 4 ओवर जो उनकी बॉलिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। उसके अलावा 5-6 नंबर बैटिंग कर रहे हैं तो वहां भी क्रूशियल साबित हो जाएंगे। उसके अलावा आपका मार्टिन गुप्टिल और उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग में साइलेंट किलर एक साबित हो सकता है प्लेयर, उसका नाम है ग्लेन फिलिप्स। जी हाँ, 4 नंबर बैटिंग कर रहे हैं ग्लेन फिलिप्स, मौका उतना नहीं मिला, चल नहीं पा रहे वो एक अलग बात है, लेकिन क्षमता प्लेयर के अंदर पूरी है, इस मैच में जलवा दिखा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कम टर्न हुआ या ऐसे समय पे बॉलिंग करने आए कि जहां पे थोड़ा बैटिंग करने आए, जहां पे पेसर्स थोड़ा ऑपरेट कर रहे होंगे, तो ग्लेन फिलिप्स के लिए ये मैच बढ़िया बन सकता है। मैं दूसरी तरफ जाऊं इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए ग्रैंड लीग के हिसाब से सभी प्लेयर्स आपके नोटिस में हैं, कोई प्लेयर आप किसी भी प्लेयर को अंडरमाइन नहीं करके जा रहे हैं, लेकिन पहले मैच जैसा अक्षर पटेल का गया विकेट लेस, उसके बाद उनका सिलेक्शन रेशियो जो है वो कम हो जाएगा, तो अक्षर पटेल एज ए ग्रैंड लीग पिक एक बढ़िया चॉइस हो सकते हैं, खासकर एज ए वाइस कैप्टन। उसके अलावा श्रेयस अय्यर एक स्मार्ट पिक हो सकते हैं, पंत और सूर्या में से, अब सूर्या को जो लोग ज्यादा पिक करेंगे, लेकिन पंत चूंकि विकेट कीपर है तो अपना रेशियो मेंटेन रख पाएंगे, ऐसे में श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन परसेंटेज बढ़िया रहेगा, लेना आपको बूस्ट होने की जगह उनका डाउन जाएगा, तो ऐसे में आप अगर श्रेयस अय्यर को लेते हैं तो आपके लिए काफी क्रूशियल साबित हो सकता है। ये बात होगी आपके ग्रैंड लीग पिक्स की। अब बात करते हैं हम 4 टीम्स की, पहली टीम स्मॉल लीग परफेक्ट, दूसरी टीम स्मॉल लीग मिनी ग्रैंड लीग, तीसरी टीम ग्रैंड लीग, चौथी टीम ग्रैंड लीग। इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो लॉस होने के चांसेस कम और प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है, बाकी चारों टीम्स को आप एज यूजुअल स्मॉल लीग ग्रैंड लीग कहीं भी कर सकते हैं यूज। लेकिन उस प्रॉफिट को अगर आप कमाना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करना यह कि स्मॉल लीग आपको खेलनी 1-11 ऐप पर, अप टू 10 मेंबर्स की लीग आप 1-11 पर खेलें, गूगल पे जाए 1-11 डाउनलोड करें सर्च करके और मेरा रेफरल कोड एमएस राघव डाल दें। ऐसा नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में पिन किया हुआ है लिंक, उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधा कर सकते हैं क्या कि ऐप से जुड़ सकते हैं और मेरा रेफरल कोड उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक पढ़ के आ जाएगा, बाकी आप एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हाँ एमएस राघव ही है या नहीं है, ठीक है। रेफरल कोड मिनिमम ₹50 विड्रॉल है जो किसी ऐप में नहीं होता है, नेटवर्क और रेफरल इनकम की भी सुविधा है, मतलब आप खुद कमाओगे उसके अलावा दूसरों के सहारे भी कमा सकते हो, खुद नेटवर्कर खुद प्रमोटर बन सकते हो इस ऐप के, और भी बहुत कुछ है वीडियो में सॉरी ऐप में जो आपको बढ़िया ऑप्शन देता है, लूडो कट एंड स्लाइस जैसे गेम्स भी है, मतलब वैरायटी भी है, तो ऑल इन ऑल बढ़िया ऐप है, पिछले 1-1.5 साल से मैं लगातार प्रमोट कर रहा हूँ, कहीं से कहीं तक भी कोई इशू ऐप में नहीं है, तो प्लीज अभी जुड़े और पैसा कमाए। अब 4 टीम की बात कर लेते हैं। टीम नंबर 1 आप देखें फटाफट अपनी स्क्रीन पर, ये रही विकेट कीपर आपके पास टिम साइफर्ट थे और ऋषभ पंत थे, पंत टच में भी है, नंबर 4 फिक्स है, साइफर्ट 5-6 खेल रहे हैं, इन दैट केस पंत इज अ बेटर ऑप्शन, तो मैं पंत के साथ गया, राहुल और शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ गया, गप्टिल और चैपमैन के साथ गया, सूर्य यादव को मैंने रिलेटिवली नहीं लिया, बहुत लोग लेंगे मैं ड्रॉप करके जा रहा हूँ, कारण उसका साफ है कि अगर मैं राहुल को कैप्टन बना के जा रहा हूँ, रोहित शर्मा को भी ले रहा हूँ, तो मतलब मेजोरिटी ऑफ बैटिंग जो है वो मेरे ओपनर्स को जाएगी, तो इसलिए सूर्य यादव को मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, दैट्स वाई मैं सूर्य यादव को ड्रॉप कर रहा हूँ, गप्टिल और चैपमैन के साथ जा रहा हूँ। डैरल मिचेल और अक्षर पटेल
डैरल मिचेल को लेव की भी रहा हूँ और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, क्योंकि अगले मैच में आप देखेंगे कि आपकी स्मॉल लीग में चैपमैन और गप्टिल बड़ी संख्या में वाइस कैप्टन आपको मिलेंगे, लेकिन मैं अदरवाइज जा रहा हूँ, डैरल मिचेल को लेके जा रहा हूँ और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। गेम कवर पूरा है डैरल मिचेल से, कारण कि बैटिंग आपकी ओपनिंग पे आती है, पिछला मैच आपका खराब गया है तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ बॉलिंग में पिछले मैच में सिर्फ 5 गेंदें डाली और उनमें 1 विकेट ले लिया। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि डैरल मिचेल एज ए बॉलर काफी यूजफुल हैं अगर उनको यूज किया जाए तो होपफुली इस मैच में ढंग से यूज होगा इनका, और ढंग से यूज होगा तो विकेट फिर से निकाल सकते हैं, इसलिए वाइस कैप्टनसी के लिए बढ़िया ऑप्शन है। इवन कैप्टनसी अगर सर्टेन बॉलर होते कि हाँ पक्का बॉलिंग करेंगे तो मैं इनको कैप्टन बनाता। अक्षर पटेल 4 ओवर फिक्स आ रहे हैं, विकेट इस मैच में लेने की संभावना है, ले सकते हैं। इसलिए बॉलिंग में जाऊं तो इन फॉर्म बॉलर्स के साथ जा रहा हूं मैं, बोल्ट, भुवनेश्वर, अश्विन, तीनों ने 2-2 विकेट लिए थे पिछले मैच में, दैट्स व्हाई हियर। फर्ग्यूसन बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस पेस पे बॉलिंग कर रहे थे पिछले मैच में कभी भी विकेट टेकिंग स्प्री पर आ सकते हैं, कभी भी विकेट चटका सकते हैं, तो फर्ग्यूसन एक और ऑप्शन। ऐसे आपकी टीम नंबर वन बन गई। उम्मीद करता हूं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ जाए, टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाए ताकि जो अपडेट्स रहे क्रिकेट से रिलेटेड वो आपको मिलते रहे। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। टीम नंबर टू आप देखें तो टीम नंबर टू आप देख लीजिए, यरी टीम साइफर्ट आ गए ऋषभ पंत की जगह, एक चीज। उसके अलावा बदलाव जो हुआ वो ये हुआ कि मार्टिन गप्टिल की जगह आ गए आपका सूर्य कुमार यादव, डैरल मिचेल की जगह सेंटनर को लाया है, बॉलिंग में दीपक चहर आगे भुवनेश्वर कुमार की जगह और रविंद्र आगे लकी फर्ग्यूसन की जगह। तो पिछले जो टीम नंबर वन थी हमारी उसमें हमने कुल 4 बदलाव 5 बदलाव किए और मिनी ग्रैंड लीग की टीम बना दी। कैप्टन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन मार्क चैपमैन, दोनों इनफॉर्म बैट्समैन है, किसी को भी आप बना सकते हो, चैपमैन को कैप्टन भी बना सकते हो, चैपमैन भी बॉलिंग कर लेते हैं, हालांकि यूज नहीं किया पिछले मैच में, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन ये मैच टू मैच भी वेराई करता है कि चैपमैन को कब कहां यूज करना। अगर स्पिन फ्रेंडली पिच थोड़ी हुई तो वहां चैपमैन बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं, तो इसलिए ये कैप्टनसी पिक भी बढ़िया साबित हो सकते हैं और रोहित शर्मा को इन दैट केस आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। गेम कवर बढ़िया दे रही है आपकी टीम बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं मिनी ग्रैंड लीग के वो भी इसमें पड़े हुए हैं कि रविंद्रा को लोग उतना सेलेक्ट नहीं करेंगे, पिछले मैच की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रही। सेम विद दीपक चहर होगा कि भुवनेश्वर कुमार को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, दीपक को कम करेंगे। अश्विन हर किसी की टीम में मिलेंगे एक सेफ ऑप्शन के रूप में, तो वहीं पे राहुल शर्मा और सूर्या की तिकड़ी सॉरी हर जगह मिलेगी, चैपमैन सारे में मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट प्लस सेफ्टी का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन ये आपका टीम नंबर टू में। टीम नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। टीम नंबर थ्री में अब ये ग्रैंड लीग लुक्स यहां से शुरू हो गए। कैसे हो गए? पंत विकेटकीपर, सेफ पिक, बैटिंग में सूर्या और गप्टिल, दो सेफ पिक है और उन्हीं को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया है। सपोर्ट करने के लिए श्रेयस अय्यर और ग्लेन फिलिप्स, दोनों का सिलेक्शन रेशियो कम है, ग्रैंड लीग में काम आएंगे आपके ऐसी संभावना है, क्योंकि दोनों बैटिंग तो टॉप फोर में ही करेंगे अपनी अपनी टीम के लिए, इसलिए अय्यर और फिलिप्स आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आप जाएं तो डैरल मिचेल आपको पूरा गेम कवर देंगे, सेंटनर आपको बॉलिंग देंगे पक्का है, वेंकटेश अय्यर का रोल पहले मैच में डिफाइन ही नहीं हुआ, ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, बस डेब्यू हुआ, मतलब मैच फीस के पैसे बन गए, बाकी कोई फायदा रहा नहीं, जबकि करना ये चाहिए था कि कम से कम 1 ओवर 2 ओवर की गेंदबाजी इनसे करानी चाहिए थी, बॉलिंग में थोड़ा इनको कॉन्फिडेंस देते और बैटिंग में जब मैच थोड़ा इजी हो गया था तो ऊपर उतारना चाहिए था, सिर्फ 2 बॉल की बैटिंग मिली, एक पे चौका मारा दूसरी पे आउट हो गए, तो इनको आप पंत की जगह भेज सकते थे नंबर 4 पे थोड़ा गेम फील के लिए। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है इस मैच में वो मौका मिल जाए। टॉड एसली, टिम साउथी, दो डिफरेंट बॉलर, क्योंकि यूजुअली लोग फर्ग्यूसन और बोल्ट के साथ जाने वाले, और मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और आपका दीपक चहर और अश्विन, तीनों टॉप पिक्स हैं भारत की तरफ से गेंदबाजी में, मैं चौथी पिक सिराज के साथ जा रहा हूं, तो पूरा एक्सपेरिमेंट या कहिए रिस्क फैक्टर गेंदबाजी सेक्शन में डाला हुआ है, बैटिंग सेक्शन में डाला हुआ है, ऐसे ही ग्रैंड लीग टीम आपकी बनती है। टीम नंबर थ्री आपकी होगी, गेम कवर बहुत अच्छा आपको दे रही है 12 और 16 ओवर गेंदबाजी से, और बैटिंग से भी आपको डेथ तक गेंद बैटिंग दोनों टीमों की तरफ से मिल रही है। टीम नंबर फोर की तरफ चलते हैं। टीम नंबर फोर में क्या बदलाव हुए? बॉलिंग हैवी थोड़ी टीम बनी, रांची की जो पिच है अगर वेदर ठीक ठाक रहा, बहुत ड्यू नहीं आई, तो दोनों टीम की गेंदबाजों को इक्वल मौका मिलेगा, और इक्वल मौका अगर मिलेगा पिच थोड़ी
क्या हो सकता है, खुरदरी मिल सकती है, फंस सकती है बॉल और बॉलर्स के लिए थोड़ा रह सकता है, क्योंकि एवरेज स्कोर रांची में जो है वो 150 के आसपास ही है और विकेट्स ऑन एन एवरेज एक पारी में 5 से 7 गिरते हैं, तो मतलब 10-12 विकेट अगर निकल गए और वो थोड़ा सा बढ़ गए हल्की सर्दी की वजह से 13-14 तक पहुंच गए, तो ये टीम फिर आपकी बहुत कामयाब आपकी हो जाएगी। इसीलिए मैंने प्रॉपर दो दो बैटिंग ऑप्शन दोनों टीमों से सिर्फ लिए हैं, सूर्या यादव और लोकेश राहुल इंडिया से, तो वहीं पे फिलिप्स और साइफर्ट लेके जा रहा हूं मैं न्यूजीलैंड से, सेंटनर एज एन ऑलराउंडर वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे, तो वहीं पे 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन आपका वोल्ट रविंद्रा, लॉकी फर्ग्यूसन, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार और रवि अश्विन। तो एक बॉलिंग हैवी टीम है जो आपको लगभग 28 ओवर का गेम कवर बॉलिंग से देगी, लेकिन बैटिंग से भी ऐसा नहीं है, इंडिया अगर चेज करती है तो ये टीम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, या फिर पहले बैटिंग करके एक एवरेज इंडिया का स्कोर जो है वो 140-150 तक ही रहता है जो एवरेज स्कोर है, तो भी ये टीम ज्यादा आपकी सक्सेसफुल रहेगी। वाइस कैप्टन ग्लेन फिलिप्स इस मैच में जलवा दिखा सकते हैं, टॉप फोर में है तो गेम कवर की तो कमी नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा ले पकड़ जाए, अगर स्पिन सामने नहीं हुआ एट द टॉप, उनको आते ही स्पिन से स्वागत उनका नहीं हुआ तो फिर चल जाएंगे, ये श्योरिटी है। कैप्टन दीपक चहर को लेके जा रहा हूं क्योंकि पूरा टॉप ऑर्डर न्यूजीलैंड का गायब करा है, इसलिए इंडिया की जो टॉप जो नई बॉल की गेंद बॉलिंग है भुवनेश्वर दीपक उनको भी लेके जा रहा हूं और दीपक को कैप्टन बना के जा रहा हूं और एज, क्योंकि भुवनेश्वर को बहुत लोग कैप्टन बनाएंगे पहले मैच के बाद, मैं दीपक के साथ जा रहा हूं। सेम ग्लेन फिलिप्स का कि अगर टॉप 3 न्यूजीलैंड का नहीं चलता है तो फिलिप्स के पास गेम कवर भी ज्यादा होगा, मौका भी ज्यादा होगा और प्लेटफॉर्म भी होगा, तो उसको भुना सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये चारों टीमें बन गई हैं, जो बदलाव होंगे टॉस के बाद बता दूंगा, बाकी चीजों के साथ प्लेइंग 11 के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा टेलीग्राम पे, वहां जुड़ जाइएगा और वीडियो आती रहेंगी मैच बाय मैच, आपको बता दूंगा कौन कौन सी सीरीज मैं कवर करने वाला हूं वीडियोस से, और बाकी टेलीग्राम पे तो धुआंधार मामला सभी मैचेस का चलेगा ही। तो मिलते हैं फिर अगले मैच के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।